देश में लगे लॉकडाउन के चलते कई सेलिब्रिटीज मुंबई और शहरों को छोड़कर अपने घर गांव में चले गए थे। कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजपाल यादव, नीना गुप्ता, रुबीना दिलाइक, राधिका मदन सहित कई सारे सेलिब्रिटीज अपने गांव की शुद्ध हवा, साफ एनवायरनमेंट में रहते हुए परिवार के साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। राजपाल यादव का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। वो इन दिनों गांव में आए हुए हैं। वहां वो पूरा प्रकृति का आनंद उठा रहे हैं। राजपाल यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो खेतों में बने ट्यूबवेल में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए याद आए, गाना चाहिए। जब खेतों में पानी चल रहा हो तो नहाने का मजा ही कुछ और है। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। कुछ दिनों पहले बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी खेतों में काम करने के बाद हाथ पैर धोते हुए नजर आ रहे थे। ये हो गया, ये पानी नहीं जाएगा फिर टाइम। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत भी लॉकडाउन स्टार्ट होते ही अपने घर शिमला, हिमाचल प्रदेश चली गई थी। कंगना यहाँ अपनी बहन और परिवार के साथ काफी एंजॉय कर रही है। रंगोली के घर की हाउस वार्मिंग पार्टी में भी कंगना शामिल हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के ग्रीन जोन होने पर कंगना परिवार सहित पिकनिक भी एंजॉय कर चुकी है। नीना गुप्ता इन दिनों मुंबई से दूर उत्तराखंड के मुक्तेश्वर सागर खेत स्थित अपने घर पर एंजॉय कर रही है। प्रकृति की वादियों के बीच नीना जी कुकिंग, योग सहित कई अन्य चीजों में बिजी है। हालांकि नीना जी मुंबई में अपनी शूटिंग लाइफ को मिस कर रही है, लेकिन उन्होंने ये लॉकडाउन पीरियड अपने घर पर काफी अच्छे से एंजॉय किया। टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक अपने पति अभिनव शुक्ला सहित लॉकडाउन में छूट मिलते ही शिमला स्थित अपने घर चली गई थी। वहां 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने के बाद वो घर से बाहर निकल पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद उठा रही हैं। छोटी बहू एक्ट्रेस रूबीना इन दिनों छोटे पर्दे से दूर घर पर ही पेंटिंग, गार्डनिंग और अपने भाई बहनों के साथ स्पोर्ट्स का आनंद ले रही है। यहाँ तक कि रुबीना ने यह भी कह दिया है कि वो इस साल कोई नए प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगी और परिवार के साथ ये वक्त बिताएगी। मेरी मूली, मेरी प्यारी मूली, मूली मूली मूली, ओहो अब तो आई जाएगी। मम्मी मूली निकल गई, ये मम्मी मूली बेबी मूली के साथ। पापा मूली, सबसे बड़ी मूली मेरी। ये देखो, ये पापा, ये मम्मी और ये बेबी मूली। एक्ट्रेस राधिका मदन भी लॉकडाउन में छूट मिलते ही मुंबई से दिल्ली अपने घर पहुंच चुकी है और इस टाइम को जमकर एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 14 दिन के लिए खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया था। राधिका इस समय दिल्ली की बारिश एंजॉय कर रही है, वहीं म्यूजिक भी सीख रही है। 1 किलो, आधा पौना किलो आ जाए मेरे पास, आधा किलो शाही पनीर। क्या शाही पनीर बना? ये
सारी तैयारी कर ले शाही पनीर की। एक काम करना, शाही पनीर तो तू ही बना ले, हाँ दाल को मैं बना दूंगी, तू उबाल के बस जाने माने एक्टर, होस्ट और सिंगर अनु कपूर लॉकडाउन घोषित होने के बाद से ही बदलापुर स्थित अपने फार्म हाउस पर चले गए थे। इस दौरान अनु कपूर जी अपने फार्म हाउस पर क्रिएटिव टीम के साथ मौजूद थे और काफ़ी काम भी किया। तकरीबन 80 दिनों तक फार्म हाउस पर रहने के बाद अब वो अपने नए टीवी शो अनुपमा की शूटिंग करने के लिए मुंबई लौट आए हैं। वहीं अर्पिता खान और आयुष शर्मा लॉकडाउन में छूट मिलते ही अपने दोनों बच्चों सहित हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने घर पहुंच गए। यहां आयुष शर्मा अपने परिवार के साथ हिमाचल के खूबसूरत मौसम और ट्रेकिंग का मजा लेते हुए नजर आए। Are you going to die? Ayush, just because you're from the mountains, don't make fun of us, okay? Please move the camera away, we are tired. इनके अलावा सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, लूलिया वेंतुर सहित कई सारे सेलिब्रिटीज लॉकडाउन के इस समय में मुंबई से दूर अपने घर या फार्म हाउस पर क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आए। Champa, and this is the tree. Champa tree or frangipani. Look at the sky, it's so gray. I think it's gonna rain again. In self-observation. One more.
आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें गजब खबरें।